कांग्रेस के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने घोषणा पत्र चंडीगढ़ की जनता के सामने पेश कर दिए। भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। अपने इस संकल्प पत्र में भाजपा ने वादों की झड़ी लगा दी है। वो वादे भी किए हैं जिनका निगम चुनावों से या नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने वादा किया है कि नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद वो बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपये प्रति माह कर देगी और OBC को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाजपा ने ये वादा भी कर डाला है कि चंडीगढ़ वासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह के दर्जनों वादे भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चंडीगढ़ को कार्बन न्यूट्रल नगर बनाने का वादा भी कर गए हैं। भाजपा का दावा है कि ये संकल्प पत्र शहर की आवाम के मशवरे के साथ तैयार किया गया है। पार्टी ने इसके लिए शहरवासियों से सुझाव मांगे थे। पार्टी अध्यक्ष अरुण सूद के मुताबिक कुल 79,892 सुझाव प्राप्त हुए। इन्हीं के आधार पर ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। क्या दुर्गा जी का स्वरूप यहाँ पे चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, और जिस प्रकार से शहर ने प्रगति की है गत कई वर्षों में, जिस प्रकार से इसकी आइडेंटिटी बनी रही है। और मुझे तो याद है, मैं चंडीगढ़ शायद सबसे पहले आया था लेट 70s में, 79 में शायद पहली बार आया था, और 79 से आज जो 40-42 साल का जो जर्नी है, उसके बाद भी आज चंडीगढ़ में आके जो आनंद मिलता है वो अपने आप में अनोखा है और एक रोल मॉडल है पूरे भारत के लिए कि कैसे प्लान टाउनशिप ऑर्गेनाइज वे में डेवलप होती है, कैसे लाखों लोग वहां पे बसते हैं, कैसे लाखों लोग बाहर से आके यहाँ पे सेवा देते हैं, अपनी सेवा करते हैं। तो ट्रांजिट पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी मात्रा में मैनेज करना, साथ ही साथ अपने लोकल लोगों की जरूरतें पूरी करना, एक प्रकार से एक अच्छा मिसाल चंडीगढ़ पूरे देश के समक्ष और एक मॉडल पूरे देश के सामने है आगे हमारी व्यवस्थाओं को सुधारने का। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का जो संकल्प है, जिस काम के लिए गत 7.5 वर्षों से केंद्र सरकार, अन्य अन्य राज्य सरकारें, लोकल बॉडीज सब मिलके काम कर रही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का विश्वास लोगों में पैदा करने का जो ढंग है, सबका साथ सबका विकास का जो उनका संकल्प है, और उसके लिए सबके प्रयास को जोड़ना, सबके विश्वास को जीतना, ये जो काम करने का ढंग है, ये हमने चंडीगढ़ में भी देखा। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 5 साल में भी चंडीगढ़ में सुशासन देने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, इसको हम अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। उसको हमने संकल्प पत्र में कुछ कुछ स्पेसिफिक योजनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है। वास्तव में आज का दिन एक बहुत बड़ा महत्व का दिन है, विजय दिवस है, 50 वर्ष पूरे हुए हैं भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जो शोषण बांग्लादेश में हो रहा था, वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, वो अपने आप में पूरे देश को एकत्र करने वाला एक बहुत ही बड़ा संदेश आज देश में गया है। साथ ही साथ विकास भी हो, साथ ही साथ देश की सुरक्षा, सीमाओं की अंदरूनी सुरक्षा अच्छी रहे, इन सब कामों को जब जोड़ के देखते हैं तो एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मॉडल आज भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है। चंडीगढ़ को अगर हम देखें तो गत 5 वर्षों में कई सारी योजनाओं को पूरा करने में चंडीगढ़ की हमारी कॉरपोरेशन सफल हुई है, फिर वो चाहे
सोलर पावर का हमारा जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस को बड़े पैमाने पे शुरुआत कर दिया गया हो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे जो अभी नया प्रोसेस शुरू किया है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी कंपनी जो अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल की ला सके उसको शुरू करने का काम हो। जिस प्रकार से कोविड की बड़ी महामारी के दौरान चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ वासियों की और पूरे उत्तर भारत के लोगों की सेवा की, एक समय तो ऐसा था कि दिल्ली से भी एम्बुलेंस में पेशेंट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।